चलिए, तो आप हम लोग बात कर रहे हैं और ये जो बात हो रही है ये रिकॉर्ड हो रही है, ये हमेशा के लिए रहेगी और ये सिर्फ हम ही लोग नहीं सुन रहे हैं, अभी तो हम लोग सुन रहे हैं, पता नहीं कितने लोग सुने। इसमें जो बात कर रहे हैं असातिज़ा के हवाले से और बच्चों के हवाले से कि एक टीचर का मकाम क्या है, बच्चे उसके नज़दीक क्या है, उसकी अहमियत क्या है, तो इसमें हम आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत ख़ास होगी, बहुत अहम होगी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए एक अच्छे रहबर बनकर, एक मोहसिन इंसानियत बनकर, एक मददगार बनकर, लोगों के साथी बनकर। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती बनकर आए जो जिन्होंने दुनिया में तालीम को फ़रोग दिया। उनको कहा जाता है मौलिम इंसानियत, मौलिम टीचर को कहते हैं, इंसानियत ह्यूमैनिटी, टीचर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या असातिज़ा जो आजकल के असातिज़ा हैं उनका मेयार सही है। कल हमने एक पोस्ट किया है और टीचर्स डे पर ही पोस्ट किया, वो पोस्ट बहुत अजीब था, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पहले जो टीचर्स हुआ करते थे उनका एक अलग मेयार हुआ करता था, एक बच्चे थे उनका भी अलग मेयार था, लेकिन अब वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात ये सुन लें, हम टीचर किनको मानेंगे, कौन है जिनको हम टीचर कह सकते हैं? सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। कल पोस्ट भी किया इसको। शिक्षा सिर्फ किताबों से हासिल हो सकती है? तालीम क्या सिर्फ किताबों से हासिल हो सकती है? हमारे आसपास जानकारियां बिखरी हुई हैं, उन जानकारियों को समेटना एक शिक्षक का काम होता है और समेट कर जिसके हवाले किया जाता है वो तालिबे इल्म होते हैं। जब गज़वा खंदक के वक्त मुसलमानों को जीत नसीब हुई थी, मुसलमानों ने जीत हासिल की थी, उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुफार में ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको मौलिम बना दो, टीचर बना दो, ताकि उनसे हमारे बच्चे पढ़ें। हमारे नबी ने यह पैगाम दिया कि हम तालीम किसी से भी हासिल कर सकते हैं, तालीम किसी से भी हासिल कर सकते हैं, जो हमसे ज़्यादा जानकार हो हम उससे तालीम हासिल करेंगे। और कहा भी गया है कि हमारी पहली उस्ताद अगर कोई होती है वो हमारी माँ होती है, जिसको उस्तानी कह सकते हैं, माँ होती है, फर्स्ट टीचर जो होती है वो हमारी माँ होती है, वो हमें उठना बैठना सिखाती है, चलना बोलना। उसके बाद एक टीचर का रोल आता है, वो टीचर, एक चीज़ आप लोग बताइएगा, टीचर की इज्जत करती हैं आप लोग? करती है ना। एक हादसा हुआ मेरे स्कूल में, एक बच्चे को वजीफे की रकम नहीं मिली, ठीक है, तो माँ उस बच्चे की माँ आई और माँ जब आई तो आने के बाद टीचर को बुरा भला कहा, वो टीचर रिटायर भी हो गए बेचारे, टीचर को बुरा भला कहा बच्चे के सामने। आप सोचिए क्या वो बच्चा अपने टीचर की इज्जत कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं बल्कि उस बच्चे ने ये तक कह दिया कि अगर टीचर हमको कुछ कहेंगे तो हम फिर माँ को कह देंगे, अब माँ फिर दोबारा आएगी गाली देगी। मियार क्या है उस घर का, क्या कहेंगे उस घर के मियार? हाँ, ये इत्तफाक था कि ये हादसा जिस दिन हुआ उस दिन हम नहीं थे,
अब जिस बच्चे के दिल से टीचर की इज्जत खत्म हो गई, क्या वो बच्चा तालीम हासिल कर पाएगा? टीचर तो टास्क देंगे बनाने के लिए, क्या वो बच्चा टास्क बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा किसका हाथ हुआ? घर वालों का, माँ बाप का। वहाँ उस माँ का हाथ हुआ। उनकी एक और बेटी भी थी, वो बेटी ऊंचे क्लास में थी और अलग से मेरे कोचिंग भी पढ़ी। उसको देखकर याद आ गया हमको ये सब, तो हमने कोचिंग में भी कहा था ताकि कम से कम उस बच्ची की ज़हनियत तब्दील हो, वो अपनी माँ की तरह न करे। तो बच्चे का मुस्तकबिल अगर संवारना है तो सबसे पहले माँ बाप को ज़रूरी होता है कि उस टीचर का एहतराम करें ताकि बच्चे एहतराम करें। अगर माँ बाप टीचर का एहतराम नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे। अगर आपको मजमून आए क्या तालीम की अहमियत, तो क्या लिखेंगे उस पर? तालीम है क्या चीज़? तालीम है क्या चीज़? हमने पहले भी कहा था, तालीम आदमी को इंसान बनाती है। आदमी कौन? आदमी वो है जिसमें उसकी कोई मेहनत नहीं है। अल्लाह पाक ने पैदा किया, आदमी बनाकर पैदा किया। अगर वो इंसान बनेगा तो कैसे बनेगा? तालीम। कुछ खुशनसीब लोग होते हैं जो तरबियत पाकर भी इंसान बन जाते हैं, और वो पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं है। अब तालीम का जो मेयार इतना गिरा है, इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि इसको बिजनेस बना दिया गया। तालीम बिजनेस नहीं है। बिजनेस है क्या? है। अब आप बोर्ड पे देखिएगा, हर जगह बोर्ड पे देखिएगा, फलाना ये है, ये है, पिछले साल हमारे यहाँ से इतने आदमी पास किए, इतना टॉपर निकला, ये निकला, वो निकला। ये बिजनेस है कि नहीं है? तालीम हासिल करने वाले भी तो है, यही सोच के कोई बिल्कुल मकसद से ही। पहले तालीम हासिल करने का मकसद होता था कि इंसान इंसान बनेगा, आदमी इंसान बनेगा। लेकिन अब तालीम हासिल करने का मतलब ये है कि आदमी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। तो नौ मतलब अब एक किसी न किसी गर्ज से तालीम हासिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आदमी बड़ा तो बन जाता है, अच्छा नहीं बनता है। पहले ज़रूरी है अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो आप अच्छे बने, और अच्छा बनने का मतलब वही है, यही है मोहब्बत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान को इंसान। हमको दुनिया में भेजा गया है, कमाना मजबूरी है, ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। तो ज़रूरी, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो, ना किसी को, कम से कम दो आदमी को भी आपकी ज़ात से फ़ायदा हो, तब इस दुनिया में आना सही है, ठीक ही रहे। लेकिन अंग्रेज़ी के जो प्रोफेसर हैं बहुत अच्छे मिले, जो भी मिले बहुत ठंडे मिजाज के, क्योंकि वो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, अंग्रेज़ी में गहराई होती है, और अंग्रेज़ी जो लोग पढ़ते हैं वाकई मेहनत करते हैं, इसलिए वो चीज़ उनके अंदर उतरती है। उर्दू जो लोग लेते हैं उसमें मेहनत नहीं करते हैं, गैस पेपर पढ़े, काम उनका काम चल गया, इसलिए उर्दू जो उनके अंदर उतरनी चाहिए थी वो नहीं उतरती। चलिए, अब आप लोग से हम कह रहे हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे हैं जिनका चेहरा हम नहीं दिखा सकते हैं और न इनकी आवाज़ सुना सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जिन पर हमको भी फ़ख्र है, और ये लोग उर्दू ऑनर्स हैं या ग्रेजुएशन में उर्दू लिया है इन लोगों ने। तो आज यौम असातिज़ा के मौके पर हम इन लोगों को भी, और आप में से जो भी लोग जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं मेरे, आप सभी लोगों को यौम असातिज़ा की मुबारकबाद देता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखें।